हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में। आज हम लोग बिल्कुल सिंपल एक मंडेला का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इस पे केवल सर्किल्स हम यूज़ करेंगे। आप सबसे पहले एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर भी ले सकते हो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो। इसको 10 डिग्री में या 15 डिग्री में, मतलब डिग्री आप अपने हिसाब से चूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्मार्ट फिल से लेके हमने ये एक कॉपी बना लेना है। इसे 10 डिग्री में हमने रोटेट करके एक कॉपी बना लिया। अब होता क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, ये लाइन हमारी सीधी है। सीधी होने का फायदा यह है कि हम इसको ऐसे पलट सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके आप कंट्रोल दबा के आप इस तरफ खींचोगे, ठीक है, इस पोर्शन को पकड़ के ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरफ क्लिक हो जाता है, मतलब कॉपी हो जाएगा साथ के साथ। ऐसे करके लेफ्ट क्लिक आपने रखना है, उसके बाद राइट क्लिक को दबानी है, लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़नी है, फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ देनी है, तो ये कॉपी हो जाएगा। ये चीज़ आपने तो रट लेनी है। अगर आपने कोरल ड्रॉ में काम करनी है 100 बार, 50 बार, जितनी बार आप करके, जब तक ये आपके हाथ में सेट नहीं होता, ये काम पहले करो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं। सर्किल का साइज फिर मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैप टूल। अगर आपको यहाँ पे स्नैप टूल नहीं मिलता है तो आप ये वाला पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से ये टूल बार ऊपर के ये जो पांच है इनको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसके सेंटर पे यहाँ पे नोड पे रख दो। फिर हम इसको यहाँ से इस पोर्शन पे रख लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसका सेंटर होना चाहिए। नीचे की तरफ हम बड़ा रखते हैं, ऊपर की तरफ हम छोटा रखते हैं। तो ये सेंटर पे हम एक इतना छोटा रखते हैं और एक को हम इस आसपास ले आके रखते हैं। वो आपके डिजाइन के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं इस तरफ और इसे भी सेंटर पे रख। और ये नीचे वाले को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसका भी सेंटर इससे मैच कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ब्लेंड लो और उसको इसके साथ ब्लेंड कर दो। अब इसकी जो डिस्टेंस है इसको थोड़ी सी मेंटेन, आप ये सेंटर पे आपका ये बना हुआ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर दो ताकि जो इनके आपस का डिस्टेंस है ना वो बराबर हो जाए, ठीक है। बराबर ना हो फिर भी थोड़ा डिस्टेंस रहे उनमें। अब आप इसको यहां से लेके फिर से इसको वापस इसके साथ भी सेम करो, और यहाँ पे थोड़ा सा सट रहा है आपस में तो इसको थोड़ा पीछे कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये हमारा जो बीच का पोर्शन है ये खाली सा लग रहा है। इस पोर्शन में भी हम कुछ रखना चाहते हैं तो आप सेम डिजाइन रख सकते हो इसके ऊपर भी। आप इसको पहले सारों को बाहर निकालो और ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट कर लो, अनग्रुप ऑल कर लो। अब ये जो गोला है इसको देखते हैं हम इस जगह पे कहाँ पे ये सेट हो सकता है सही ढंग से, तो इस आसपास इसको हम सेट कर सकते हैं। इसका साइज डिफर होगा क्योंकि यहाँ का गोला हमने उठा के यहाँ पे रखा है, तो इस बीच में आप इन गोलों को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो ताकि आपका जो ये डिजाइन है ये थोड़ा खाली ना दिखे। और ज़्यादा छोटा गोला बनाने से भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वो गोला नजर आएगा नहीं, यहाँ तक काफ़ी है, सफिशियंट है हमारा, ठीक है।
उसके बाद हम ऊपर आते हैं, इस जगह पे बनाते हैं एक गोला और इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। आप चाहो तो इनको ब्रेक कर सकते हो, इसे हम यहाँ जाके फिर से ब्रेक कर दिए और अनग्रुप कर लिए, ताकि हमें गोला अलग अलग बनाने की जरूरत ना पड़े। हम इसी गोले को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे। यहाँ आने के बाद हम इसे, यहाँ पे दो का स्कोप है हमारे पास, क्योंकि एरिया हमारे पास बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम दो गोले सेट कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से डिजाइन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसा जैसा आप चेंज करोगे उसके हिसाब से आपका डिजाइन। अभी इस गोले को रहने देता हूँ, मैं यहाँ से गोला, ये सर्किल लेके अब हमने इसको ऐसे ऐसे सेट करते चले जाते हैं। इसको रखते जाओ आप, अभी हम सेम सर्किल ले रहे हैं, साइज इसकी डिफर हो रही है। इस जगह आके हम थोड़ा फिनिशिंग टच दे देते हैं, एक स्टाइल से बंद कर दिए। अब इन सभी को आप सेलेक्ट करके वेल्ड कर लो। अभी वेल्ड का साइन नहीं आ रहा है, रीजन ये है कि हमारा ये ब्रेक नहीं हुआ। इसको आप ब्रेक कर लो, अनग्रुप ऑल कर लो, उसके बाद आप वेल्ड कर सकते हो। फिर शिफ्ट दबा के आप नीचे का ट्रायंगल भी सिलेक्ट कर लो और उसको इंटरसेक्ट करो। इंटरसेक्ट करने के बाद आप इसको बाहर निकाल लो, इनको आप डिलीट कर दो। अब इस पोर्शन को आप इस तरफ पलटो, इसको वेल्ड कर दो। आपको बस ध्यान रखना है, ये कॉर्नर वाला गोला बनाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हो। आप यहाँ दोबारा क्लिक करो, ये एक्सेस पॉइंट आएगा, कंट्रोल दबा के इस एक्सेस पॉइंट को यहाँ लाओ और 10 डिग्री से आप इसको 20 डिग्री कर दो, क्योंकि हमने डबल किया, ठीक है। तो ये 20 डिग्री में हम इसे अप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये हमारा सर्किल बन जाएगा इस तरीके का। इसे हम फिर वापस वेल्ड कर देते हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। अब इस पे आप अलग अलग तरीके के इफेक्ट डाल सकते हो। आशा करता हूँ ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।